नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे डेली वेदर ब्रीफिंग प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन। हम देख रहे हैं जो पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली हैवी टू वेरी हैवी फॉल विद एक्सट्रीमली फॉल कुछ जगहों पर कोस्टल कर्नाटक और उड़ीसा में, और हैवी टू वेरी हैवी फॉल कुछ जगहों में हिमाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, घाट एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, कोंकण गोवा और साउथ इंटीरियर कर्नाटका, और हैवी रेनफॉल कुछ जगहों पर देखने को मिली है ईस्ट राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु में। ये हमारी जो अधिकतम वर्षा दर्ज हुई है उड़ीसा में 24 सेंटीमीटर, कोस्टल कर्नाटका में 23 सेंटीमीटर, छत्तीसगढ़ में 20 सेंटीमीटर, कोंकण और गोवा में 19 सेंटीमीटर, आसाम मेघालय में 18 सेंटीमीटर, हिमाचल प्रदेश में 16 सेंटीमीटर, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में 14 सेंटीमीटर और मध्य महाराष्ट्र में 13 सेंटीमीटर। इसी के साथ साथ केरला, ईस्ट मध्य प्रदेश, हरियाणा में 11 सेंटीमीटर, पंजाब, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश में 9 सेंटीमीटर और ईस्ट राजस्थान, वेस्ट उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में भी 7 सेंटीमीटर रेनफॉल दर्ज हुई है पिछले 24 घंटे में। हम अगर सिनोप्टिक सिस्टम की बात करें तो जो डिप्रेशन था कल वाला ऑलमोस्ट थोड़ा नॉर्थ वेस्ट मूव होके वहीं नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में है, और जो हमारा लो था वेव बंगाल में वो आज हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ उड़ीसा और एडजोइनिंग एरिया में है। इसी के साथ साथ जो मानसून ट्रफ है वो एक्टिव है लेकिन अपनी पोजिशन से साउथ की तरफ है, और एक डब्ल्यू डी जो लॉन्गिट्यूड 674 और टू लेटिट्यूड इज 32 डिग्री पर आज भी है, और ऑफशोर ट्रफ गुजरात कोस्ट से महाराष्ट्र कोस्ट तक है और मेन सी लेवल पर। ये हाईलाइट है जो डिप्रेशन ओवर नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी जो ऑफ सौराष्ट्र कोस्ट पर है ही। रेनफॉल एक्टिविटी जो बढ़ने की संभावना है नॉर्थ ईस्ट और सब हिमालय वेस्ट बंगाल में कल से, और नॉर्थ वेस्ट मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 19 तारीख से अगले उसके 3-4 दिनों तक रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू होगी। अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जम्मू पूरा हमारा वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक स्कैटर टू फेली वाइड रेनफॉल होगी। इसके बाद वो बढ़ जाएगी, फेली वाइड से वाइड स्प्रेड होगी विद आइसोलेटेड फॉल, उसके साथ कुछ जगह पर एक-दो भारी बारिश भी होने की संभावना है। और अगर भारी से अति भारी बारिश करें आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल वो भी हिमाचल प्रदेश में 20 तारीख को और उत्तराखंड में 19, 20, 21 तारीख होने की संभावना है। इसी के साथ साथ आइसोलेटेड रेनफॉल एक्टिविटी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक आइसोलेटेड स्कैटर्ड रेनफॉल, उसके बाद ही बढ़ जाएगी फेली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल होगा इस रीजन में फ्रॉम 19 से 21 तारीख के बीच में, और फेली वाइड स्प्रेड रेनफॉल विद आइसोलेटेड हैवी फॉल होने की संभावना है राजस्थान में ड्यूरिंग नेक्स्ट, स्पेशली वेस्ट राजस्थान में ड्यूरिंग अगले 24 घंटे में, उसके बाद ईस्ट राजस्थान में 17 तारीख से 20 तारीख तक होने की संभावना है। और अब बात करें नॉर्थ ईस्ट की तो वाइड स्प्रेड रेनफॉल आज से लगभग फैली वाइड स्प्रेड शुरू होगी और कल से वो बढ़ के वाइड स्प्रेड अगले 5 दिनों तक चलती रहेगी, और इसी के साथ साथ हैवी मतलब वेरी हैवी रेनफॉल कुछ जगहों पर देखने पड़ेगी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय 18 से 21 तारीख के बीच। और अब बात करते हैं अगर मैं छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कोंकण गोवा, केरला, कर्नाटका की बात करूँ तो फैली वाइड स्प्रेड से वाइड और वाइड स्प्रेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल अगले 5 दिनों तक होती रहेगी। इसी के साथ हैवी रेनफॉल कुछ जगह पर होने की संभावना है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 27 से 21 के बीच में, विदर्भ 19 तारीख को, कोस्टल कर्नाटका 18 और 19 तारीख को, साउथ इंटीरियर कर्नाटका 18 तारीख को, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका 17 तारीख को, और कर्नाटका कोंकण और गोवा 17 एंड 18 तारीख को, और केरला और माहे 17 से 20 तारीख को होने की संभावना है। इसी के साथ साथ भारी से अति भारी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस पे वेस्ट मध्य प्रदेश में 19 तारीख को, कोस्टल और साउथ इंटीरियर कर्नाटका और छत्तीसगढ़ में 17 तारीख को एंड विदर्भ में 17 और 18 तारीख को होने की संभावना है। इसी के साथ साथ स्कैटर टू फेली वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोस्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अगले 5 दिन तक चलती रहेगी, जबकि गुजरात में ये अगले 3 दिन तक रहेगी, उसके बाद वहाँ रिड्यूस हो जाएगी। इसी के साथ साथ आइसोलेटेड रेनफॉल ऑल्सो लाइकली ओवर जो बचे हुए रीजन है रायलसीमा, तमिलनाडु और तमिलनाडु में अगले 5 दिनों तक होती रहेगी। और हैवी रेनफॉल की बात करें इस रीजन में तो नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश 17 तारीख को, गुजरात रीजन, मराठवाड़ा, तेलंगाना 18 तारीख को,
तमिलनाडु में 17, 18, 19 तारीख को और मध्य महाराष्ट्र में 17, 18 तारीख को होने की संभावना है। अब अगर हम चित्र में देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल इंडिया में और वेस्ट कोस्ट में रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू है, स्पेशली ईस्ट इंडिया में भी है अगले 2 दिनों तक। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कल से रेनफॉल बढ़ेगी जो अगले 5 दिनों तक चलेगी। इसी के साथ साथ अगर हम डे 3 से यानी 19 तारीख से देखें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया स्पेशली हमारा वेस्टर्न हिमालयन रीजन, एडजोइनिंग एरियाज ऑफ प्लेन्स, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में रेनफॉल 19 तारीख से मतलब डे 3 से सब शुरू होगी और 19, 20, 21 तारीख को हैवी टू वेरी हैवी कुछ जगह पर होने को देखने को मिलेगी। और अब बात करें फिशरमैन की, तो आप अगर देख सकते हैं डिप्रेशन के कारण हमारा नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ अरेबियन सी 24 आवर्स तक एक्टिव रहेगा, उसके बाद सेंट्रल पार्ट्स में एक्टिविटी रहेगी और डे 3 से पूरा वेस्ट कोस्ट में सॉरी वेस्ट अरेबियन सी में रेनफॉल 40 से 50, तो विंड स्पीड 40 से 50 to KMPH रहने की संभावना है। इसी के साथ साथ अगर हम स्कोली वेदर की बात करें, विंड स्पीड 40 to 50, हमारा कर्नाटक का कोस्ट अगले 2 दिनों तक एक्टिव रहने की संभावना है। तो हम फिशरमैन अपने मछुआरे भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन पर्टिकुलर डेट पर जो बताए गए हैं पर्टिकुलर रीजन जो हैं उनमें ना जाएं और अगर हम आएँ तो वापस लौट आए। थैंक यू। और आप हमें हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्लॉग पर फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो मोबाइल ऐप हैं जैसे मौसम ऐप है, दामिनी ऐप है, मेघदूत ऐप है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और सभी को नमस्कार है, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू तो मुझे सुनने के लिए नमस्कार।